IRCTC हो, उज्जीवन हो या CSB बैंक हो, IPOs ने आजकल बहुत हाइप मचा रखी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IPOs के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही हम जानेंगे कि सही IPO कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पहचाने कौन से IPO में निवेश करना है और किस में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज जानते हैं IPOs के बारे में सब कुछ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तीन मेजर चीजें बताने वाला हूं। पहला कि कैसे IPOs को लेके ज्यादातर जानकारी जो आपको दी जाती है वो बिल्कुल गलत है, आपको गलत जानकारियां दी जा रही हैं। दूसरा, क्यों मैं 80% IPOs को रिजेक्ट कर देता हूं, 80% IPOs मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के लायक ही नहीं। और तीसरा, कैसे मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप किया है जिससे हम हमेशा सही IPO सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको लिस्टिंग गेन्स हो इसकी ज़्यादा चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी गलत जानकारी जो लोगों को है वो ये कि IPO से रातों रात लखपति बना जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी मैं देखता हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं कि इस IPO में अप्लाई करिए और एक दिन में लाखों कमाइए लिस्टिंग गेन्स के जरिए। तो IPOs में ऐसा नहीं होता है। इसके दो सिंपल से कारण हैं। पहला कारण कि आप IPO में जितना चाहें उतना पैसा नहीं लगा सकते। जैसे शेयर्स, अगर आपको टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने हैं तो आप चाहे 1000 रुपये के खरीदें, चाहे 10,000 के खरीदें, चाहे 1,00,000 के खरीदें, लेकिन IPOs में ऐसा नहीं होता। IPO लॉट्स में अलॉट होता है और एक लॉट यूजुअली 12,000 से 15,000 रुपये के बीच होता है। तो अगर आपको एक लॉट मिल भी जाए तो आपने 15,000 रुपये के शेयर्स खरीदे। अब अगर वो 15,000 रुपये के शेयर्स लिस्टिंग डे के दिन दुगने हो जाएं या 3 गुने भी हो जाएं तो आपके 15,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत लकी हैं, आपने IPO बहुत अच्छा सिलेक्ट कर लिया है, तो 15,000 रुपये आपके 30,000 या 45,000 हो जाएंगे। तो आप 15-20,000 रुपये या 30,000 रुपये ही कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो IPO रातों रात अमीर बनाने का, लखपति बनाने का जरिया बिल्कुल नहीं है। अब इसमें एक सेकेंड कंडीशन भी है कि जो भी ऐसे सक्सेसफुल IPOs हैं, जैसे आप IRCTC को ले लीजिए जो 112 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, या अभी उज्जीवन के IPO को ले लीजिए जो 160 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो इसका मतलब यह है कि अगर 160 लोगों ने अप्लाई किया, ये एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल है, अगर 160 लोगों ने अप्लाई किया होगा उस IPO के लिए, तो 160 में से किसी एक को वो IPO मिलेगा। IRCTC का IPO 112 लोगों में से किसी एक को मिल रहा था ऑन एन एवरेज। तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ेगा, वो टॉप 1% में आना पड़ेगा कि आपको वो 15,000 रुपये का लॉट मिले। तो एक तो बहुत ज़्यादा लक चाहिए, दूसरा अगर लकी आप हो भी गए तो भी आपको मिलेगा तो 15,000 रुपये का ही, तो भी आप 15-20,000 से ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे। तो IPO अमीर बनने का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की कि क्यों मैं 80% IPOs को रिजेक्ट कर देता हूं, क्या कारण है। देखिए, कारण एक बहुत सिंपल सा है। जब हम शेयर बाजार में कोई लिस्टेड स्टॉक खरीदते हैं, जैसे अगर आप HDFC बैंक खरीदने जाएं, तो वहां बायर हैं आप और सेलर है आपके जैसे ही कोई इन्वेस्टर या फिर कोई म्यूचुअल फंड या इस तरीके का कोई बैंक। तो दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है। आपने डाला कि मुझे 1,000 में खरीदना है, सेलर ने डाला कि उसे 1,001 में बेचना है। तो अगर कोई सेलर 1,000 में बेचने को चाहेगा तो आपको वो स्टॉक मिल जाएगा। तो बायर और सेलर प्राइस को नेगोशिएट करते हैं और आपको जो प्राइस पसंद आता है आप उस प्राइस पे उस शेयर को लेते हैं। लेकिन IPOs में प्राइस कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड नहीं करती, कोई गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड नहीं करती, प्राइस डिसाइड करती है कंपनी यानी कि ओनर। तो अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि आपके पास एक ज़मीन है, अब आप उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे बिके। आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस ज़मीन का ना फेयर वैल्यू 50,00,000 है तो मैं 50,00,000 में ही बेचूंगा। अगर आपको कोई 60,00,000 वाला खरीदार मिल जाए, कोई 80,00,000 वाला मिल जाए, तो आप ज़मीन उसे बेचेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो जो कंपनी IPO ला रही है उसका ओनर क्या चाहेगा कि मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी किसी को बेच रहा हूँ, मैं पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना रहा हूँ, उसके बदले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और इसीलिए ज़्यादातर IPOs ओवर वैल्यूड रहते हैं, वो फेयर प्राइस पे आपको नहीं मिलते। जिस कंपनी की वैल्यू 500 रुपये पर शेयर होनी चाहिए उसका IPO 700-800 रुपये में आता है, क्योंकि ओनर ज़्यादातर लालची हो जाता है। इसी कारण, ये सिंपल कारण है कि मैं 80% IPOs को रिजेक्ट कर देता हूँ। तो अब जानते हैं
कि वो बाकी 20% IPOs कौन से होते हैं और कैसे मैं उन 20% IPOs को सिलेक्ट करता हूं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। तो अब मैं आपको बता रहा हूं तीन तरीके वो 20% अच्छे वाले IPOs सिलेक्ट करने के। पहला तरीका, मैंने आपको जमीन मालिक का एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन बेचना चाहता है तो वो चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा दाम मिले। लेकिन अब जरा सोचिए कि उस जमीन का जो ओनर है उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे इलाज के लिए अर्जेंटली 15-20 लाख रुपए चाहिए, तो वो क्या चाहेगा कि जिस दाम में जमीन बिक रही है जल्दी से जल्दी बिके, बस मुझे पैसा जल्दी मिल जाए। फिर चाहे 50 लाख की जमीन 40 लाख में बिके, 30 लाख में बिके, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे इलाज के लिए 15 लाख रुपए आज ही चाहिए। तो ऐसे में वो अपनी जमीन को सस्ते में बेचने से भी रेडी हो जाएगा। ऐसा होता है IPOs में भी कई बार बैंक्स के साथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ या फिर BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिन पे गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी लिस्ट हो। बहुत सारे RBI गाइडलाइंस हैं, SEBI गाइडलाइंस हैं बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, कि इन्हें जल्दी लिस्ट होना है, कुछ सालों के अंदर लिस्ट होना है। अगर ये IPO नहीं लाए, लिस्ट नहीं हुए, तो इन पे पेनल्टीज लगेंगी। तो इस प्रेशर के कारण इनको अपना IPO पूरा सब्सक्राइब भी कराना होता है और जल्दी से जल्दी IPO लाना भी होता है, जिसके कारण, क्योंकि ये फोर्स्ड IPO ला रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं ला रहे, रेगुलेशन के दबाव में ला रहे हैं, तो बैंक्स के IPOs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के IPOs और NSE का IPO भी शायद आएगा, ये सारे फेयरली प्राइस्ड होते हैं, ओवर प्राइस नहीं होते। क्योंकि कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर लिया और IPO नहीं भरा तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पेनल्टी लगेगी। तो इसीलिए बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे अगर IPOs हैं तो जनरली वो अच्छे प्राइस पर रहते हैं और इन IPOs की तरफ मैं देखना पसंद करता हूं। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, गवर्नमेंट IPOs। अगर सरकार अपनी किसी कंपनी का IPO ला रही है, जैसे IRCTC हो या आगे जाके और भी काफ़ी सारी सरकारी कंपनियों के IPOs आने वाले हैं, पहले भी जो आए हैं वो यूजुअली फेयर प्राइस पे आते हैं, क्योंकि सरकार इस तरह का इमेज अपने बारे में नहीं देना चाहती कि हम पब्लिक को लूट के पैसा कमा रहे हैं। तो सरकार यूजुअली फेयरली प्राइस्ड IPOs लाती है ताकि उनकी कंपनीज की डिमांड बनी रहे, हाइप क्रिएट हो और लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदें, ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो, ताकि मिनिस्ट्री के लिए भी रिस्पेक्ट जाए और इमेज खराब ना हो मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट रिलेटेड उस कंपनी की। और वैसे भी कुछ 100 या कुछ 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लेना, लेकिन उस चक्कर में इमेज खराब होना, ये रिस्क वो नहीं लेना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट IPOs यूजुअली फेयरली प्राइस्ड होते हैं, उनकी तरफ भी देखना मैं पसंद करता हूं। अब ये दो तरीके जो मैंने बताए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंडली किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर दूं जिसका भी IPO आ रहा है, या फिर मैं ब्लाइंडली किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में जिसका IPO आ रहा है उनमें इन्वेस्ट कर दूं। ये दो फिल्टर्स के बाद आता है एक तीसरा फिल्टर जो बहुत ज़रूरी है। IPOs यूजुअली 3 दिन के लिए खुलते हैं, तो मेरा एक ये नियम है कि अगर मैं किसी IPO में निवेश करूंगा तो उसे आखिरी दिन ही अप्लाई करूंगा, 3rd डे ही इन्वेस्ट करूंगा उस IPO में। क्यों? ताकि पिछले 2 दिनों के डेटा से न्यूज़ में आराम से ये मिल जाएगा कि 2 दिन में वो IPO कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो 3rd दिन तक मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि ये IPO कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो जो IPO काफ़ी ज़्यादा पहले 2 दिन में ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, काफ़ी भर चुका है, उसकी ये गारंटी रहती है कि लिस्टिंग डे के दिन मोस्ट प्रोबेबली वो IPO अच्छे लिस्टिंग गेंस देगा। तो अगर वो कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका IPO आया है, मैं 2 दिन रुकूंगा, मैं देखूंगा कि पब्लिक कितना इंटरेस्ट दिखा रही है, और 3rd दिन अगर मुझे लगे कि हाँ, एक तो ये पहले 2 फिल्टर्स में मैच हो रहा है और तीसरा कि इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, तो 3rd दिन के एंड के आसपास मैं उस IPO को अप्लाई करूंगा। क्योंकि आप पहले दिन अप्लाई करें, दूसरे या 3rd दिन, उससे आपको IPO मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चांसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना मैं लोगों का इंटरेस्ट जान लूं और उसके बाद निवेश करूं। जितनी ज्यादा बार कोई IPO ओवर सब्सक्राइब होता है उसकी उतनी चांसेस बढ़ जाती हैं कि वो अच्छा लिस्टिंग गेन दे। इसीलिए अगर आप अप्लाई कर भी रहे तो 3rd दिन अप्लाई करें। और अब एक आखिरी एडवाइस, IPOs की भीड़ में अंधाधुंध इन IPOs में अप्लाई ना करें, इन फिल्टर्स का ध्यान रखें और ज़रूर आपको IPOs से अच्छा पैसा बनके मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, 80% ऑफ द टाइम्स IPOs अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट मैंने कल ही एक ट्वीट किया था, मेरी ट्विटर ID आपके स्क्रीन पर है, वहाँ जाके आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी कि पिछले 5 सालों में कौन से IPO ने कितना लिस्टिंग गेन दिया और IPO के 1 साल बाद
वो शेयर प्राइस कैसा था। तो पिछले 5 साल के कंप्लीट आईपीओ परफॉर्मेंस के लिए आप मेरी ट्विटर आईडी पे जाके इस लिस्ट को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको और पता चलेगा कि किस तरह की कंपनियों में आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। तो ये तो था कि आईपीओ में कैसे निवेश करें, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से बेस्ट स्टॉक्स पिक कैसे करें, कैसे हर रोज आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 1 साल के इन्वेस्टिंग कोर्स अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, और जहां वीडियो लेसन्स, टेक्स्ट लेसन्स, क्विजेज और डाउनलोड्स के जरिए हम आपको 1 साल तक सिखाएंगे एक अच्छा इन्वेस्टर बनना। तो मुझे आपका अकेडमी के अंदर इंतजार रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आज आप आईपीओ के बारे में कुछ नया जान पाए होंगे, कुछ सही जान पाए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया और क्या आपको लिस्टिंग गेन हुआ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।